ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 के विनर्स के नाम का ऐलान हो गया है। 12th फेल, एनिमल और सैम बहादुर ने जलवा बिखेरा है। 12th फेल को 4 कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। एनिमल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। हालांकि इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अवार्ड विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने फिल्म फेयर में जीते हैं। शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म जवान भी 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में छाई रही। फिल्म को बेस्ट एक्शन फिल्म सहित कई सारे अवार्ड मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि गुजरात गांधीनगर में हुई इस अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्टर रहे विधु विनोद चोपड़ा। 12th फेल के लिए ही उन्हें यह अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है देवाशीष मखीजा की जो राम को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को, उन्हें एनिमल के लिए ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी के खाते में गया। बेस्ट एक्ट्रेस रही आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए ये अवार्ड उन्हें मिला। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी और थ्री ऑफ अस के लिए शेफाली शाह को मिला। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में विक्की कौशल ने बाजी मारी है, डंकी के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है शबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड जीता है अमिताभ भट्टाचार्य ने तेरे वास्ते जरा हटके जरा बचके के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भारद्वाज, श्रेयश पुराणिक, जानी, भूपेंद्र बब्बल, आशिम केम्सन, हर्षवर्धन रामेश्वर, गुरिंदर सीगल को मिला एनिमल के लिए। तो ये एल्बम ने अवार्ड जीता है बेस्ट एल्बम का। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला है भूपेंद्र बब्बल को एनिमल के गाने अर्जुन वैली के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला बेशरम रंग को जो कि पठान का गाना है, शिल्पा राव को ये अवार्ड मिला है। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है अमित राय को OMG 2 के लिए और देवाशीष मखीजा को जोरम के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा के नाम हुआ है, 12th फेल के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है, इशिता मोइत्रा को यह अवार्ड दिया गया। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर मिला है हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए यह अवार्ड मिला है। सिनेमेटोग्राफी अविनाश अरुण धावरे थ्री ऑफ अस के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती, अमित रे, सैम बहादुर के लिए यह अवार्ड मिला है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला सचिन लवलेकर को, दिव्या गंभीर को और निधि गंभीर को, सैम बहादुर के लिए तीनों को यह अवार्ड दिया गया। बेस्ट साउंड डिजाइन मिला है कुणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंक सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड जस कुंवर सिंह कोहली के नाम हुआ है, विधु विनोद चोपड़ा के साथ उन्हें ये अवार्ड मिला है। 12th फेल के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया। बेस्ट एक्शन स्पाइरो रजाटोस, एनएल आरासू, क्रेग मैक्रे, यानिक पेन, केचा खम्फाकुनी, सुनील रोड्रिक्स को जवान के लिए मिला है। बेस्ट VFX का अवार्ड मिला रेड चिलीज VFX को, जवान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट कोरियोग्राफी गणेश आचार्य के नाम रही वॉट चुमका, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ये गाना है और इस गाने की कोरियोग्राफी के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड है तरुण डुडेजा के नाम धक धक के लिए उन्हें अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल का अवार्ड मिला आदित्य रावल को, फराज के लिए अवार्ड मिला है। बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस रही फेरी के लिए अलिजेह अग्निहोत्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया डेविड धवन को। तो ये थी वो पूरी लिस्ट जो फिल्म फेयर की अवार्ड कैटेगरी से हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये वो सभी कैटेगरीज थी जिनमें अवार्ड्स दिए गए। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी अभय ने। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।